उदाहरण 16, यदि साइन 34 अंश बराबर पी हो तो कॉट 56 अंश का मान ज्ञात करो। हल, साइन 34 अंश बराबर पी हमारे पास दिया है, हम साइन 34 अंश को लिख सकते हैं साइन कोष्टक में 90 अंश ऋण 56 अंश, क्योंकि 90 में से 56 को घटाने पर हमें 34 प्राप्त होता है, तो साइन 34 अंश के स्थान पे हम साइन 90 अंश ऋण 56 अंश लिखें बराबर पी। साइन 90 अंश ऋण थीटा जो होता है वह कॉस थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे 56 है अंश है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 90 अंश ऋण 56 अंश कॉस 56 अंश बराबर पी। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा का मान बराबर 1 होता है, या कहीं हम साइन की घात 2 थीटा को बाएं पक्ष में लिखते हैं बराबर 1, और कॉस की घात 2 थीटा का पक्षांतर करते हैं, तो ये ऋण कॉस की घात 2 थीटा बन जाएगा। अब कहीं हम थीटा के स्थान पे साइन की घात 2 थीटा के स्थान पे 56 अंश लिखते हैं, क्योंकि हमको कॉट 56 अंश का मान ज्ञात करना है, तो कहीं हम थीटा के स्थान पे 56 अंश लिखते हैं, तो साइन की घात 2 56 अंश बराबर ये बन जाएगा 1 ऋण कॉस की घात 2, और थीटा के स्थान पे हमने 56 अंश लिख दिया बराबर, या हमने समीकरण 1 में कॉस 56 अंश बराबर पी ज्ञात किया था, तो हम कॉस 56 अंश के स्थान पे पी का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा साइन की घात 2 56 अंश बराबर 1 ऋण कॉस 56 अंश का मान पी है समीकरण 1 से, और इसकी घात 2 है, तो 1 ऋण पी की घात 2, या साइन 56 अंश बराबर वर्ग को या घात को साइन की घात 2 का पक्षांतर करेंगे, तो ये बन जाएगा वर्गमूल 1 ऋण पी की घात 2। अतः साइन की घात 2 56 अंश को हम साइन की घात 56 अंश बराबर वर्गमूल 1 ऋण पी की घात 2, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात करना है कॉट 56 अंश का मान, क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो हम कॉट 56 अंश के स्थान पे कॉस 56 अंश बटा साइन 56 अंश लिखेंगे, और हमने ज्ञात किया है कॉस 56 अंश का मान पी है समीकरण 1 से, उसी तरह से साइन 56 अंश का मान हमने निकाला है वर्गमूल 1 ऋण पी की घात 2, तो हमने ज्ञात किया कि कॉट 56 अंश जो है उसका मान पी बटा वर्गमूल 1 ऋण पी की घात 2,
तो हमने इस तरह से कॉट 56 अंश का मान ज्ञात किया। तो यही इस उदाहरण का हल होगा।